ठीक है। सेंट्रल मास बेसिकली है क्या? सेंट्रल मास एक वहां एक पॉइंट है प्रॉपर्टी जहां पे हम अज्यूम करते हैं, जहां पे उसका सारा मास लोकेट करता है, करेक्ट। अगर सपोज मैंने इस पेन को यहां पे रोक दिया है बैलेंस करके, मैं किस पॉइंट को बैलेंस कर रहा हूँ? मैं उस पॉइंट बैलेंस कर रहा हूँ जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट जहाँ पे इसका सारा मास लोकेट करता है, समझिए। दिस पॉइंट कैन बी आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, क्लियर। अगर सपोज मैं इसको यहाँ से उठाने की कोशिश करूँ तो डेफिनेटली यहाँ से उठ नहीं पाएगा, बट अगर सपोज एक पॉइंट से उठा के यहाँ से फोर्स लगाता हूँ तो एक पूरा एक साथ उठ जाएगा। तो किस पॉइंट उठा रहा हूँ मैं? सेंटर ऑफ मास। अगर मैं साइकिल की घंटियों पर उठाने की कोशिश करूँ तो डेफिनेटली वहाँ से उठाना मुश्किल होगा, बट जहाँ पे एक्सेल है वहाँ से अगर आप सपोज जहाँ पे पेडल होते हैं उठाने की कोशिश, साइकिल से उठ जाती है, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास एक व्यू पॉइंट है जहाँ रिज्यूम करते हैं कि बॉडी का सारा मास वहाँ पे लोकेट करता है, करेक्ट। अगर सपोज आप एक बॉल लेगी उसको साइड में हिट करते हो तो बॉल ऐसे जाती है, ऐसे रहती है, बट अगर आप एक पॉइंट हिट करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास, समझिए। सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट है जहाँ पर बॉडी का सारा मास हम रिज्यूम करते हैं कि लोकेट करता है, वहाँ पर डायरेक्टली कोई फोर्स लगती है तो बॉडी सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन में आएगी, मतलब स्ट्रेट मोशन में आएगी, समझ गए। देखो सेंटर ऑफ मास, इट इज अ पॉइंट लाइंग इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी वेयर इट्स होल मास इज सेट टू बी कंसेंट्रेटेड, यहाँ पे म्यूजिक करते सारा मास इसका लोकेट करता है, समझ गए। इज इट क्लियर? आगे देखो, एक बार सुन लो आराम से। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जहां दो मासेस हैं, एक मास यहाँ पे M1, एक मास यहाँ पे M2, ओरिजिन इस पोजीशन वेक्टर R1, इस पोजीशन वेक्टर R1, करेक्ट। दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी, इसके यहाँ फोर्स लगा रही है एफ बी, इसके यहाँ फोर्स लगा रही है एफ ए बी, करेक्ट। तो व्हाट इज एफ बी ए? एफ बी ए इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड बाय A on B, and FAB again, FAB force exerted by B on A. दोनों forces equal or opposite हैं, क्योंकि ये internal forces हैं। FAB and FBA और इंटरनल फोर्सेस हैं, इसी वजह से दोनों फोर्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से इनका सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, करेक्ट। और अगर सपोज बाहर से फोर्स लगे इसके ऊपर, यहाँ से लग रही है M1,
यहाँ से भी F में F2 एक्सटर्नल फोर्स है, F1 एंड F2 आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन या सेकंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेट फोर्स क्या है, इंटरनल FBA प्लस FAB, एक्सटर्नल F1 प्लस F2। नेट फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P1 प्लस P2, करेक्ट। बट इन दोनों सम क्या है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। F1 प्लस F2 इज डिवाइडेड ऑफ P1 इज M1 P1, P2 इज M2 P2, करेक्ट। अब व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट M2 dr2 by dt, इसमें dt कॉमन ले लो, ये भी तो ऑलरेडी है, तो d square by dt square हो जाएगा, m1 r1 plus m2 r2 हो जाएगा, करेक्ट। टोटल मास से मल्टीप्लाई करो, f1 plus f2 equals to टोटल मास m1 plus m2, डबल डेरिवेटिव ऑफ M1 R1 plus M2 R2, यह याद बात समझ आएगी। दो बॉडी सिस्टम है, एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, FAB और FBA, नेट फोर्स इक्वल ऑपोजिट, रिजल्टेंट टर्म का सम क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स F plus F2, नेट फोर्स नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज dr/dt, और मेरी इक्वेशन आ गया, क्लियर। अभी यहाँ पे नोट कर लो आप, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एंड वेलोसिटी डीआर बाय डीटी। मतलब फोर्स बेसिकली मास इनटू डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन वन बाय टू, क्या मिलेगा आपको, ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये मास है, ये भी मास है, डबल डेरिवेटिव ऑफ आर, डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग। इसका मतलब कि आर की जो वैल्यू है, दैट इज एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू बाई एम वन प्लस एम टू। अभी आर क्या है, आर इज पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। स्टॉप राइटिंग, पहले समझा। अगर आप निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, अगर y एक्सिस में निकाल रहे हैं तो m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2। अगर मोर देन टू मासेस हैं तो करनी पड़ेगा, सिंपल फॉर्म ले लेते हैं, m1 r1 plus m2 r2 till mn rn by m1 plus m2 plus till mn, ये हो जाएगा, समझ गए।
हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझे मुझे फोकस कर ले सबको। अब एक सेंटर ऑफ मास लाइज एट ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन पे लाइन करता है मतलब सेंटर ऑफ मास जो है आपका ये ओरिजिन लाइन कर गया तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो जीरो इक्वल्स टू एम आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम एन प्लस एम टू हो जाएगा। इन दैट केस एम एन आर वन इज नेगेटिव ऑफ एम टू आर टू हो जाएगा। नेगेटिव मीन्स ओरिजिन के उस साइड चल जाएगा, करेक्ट। सो प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका? कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर मास बड़ा होगा तो आर कम होगा, मास बड़ा होगा तो आर बड़ा होगा। समझ गए? जैसे अगर स्कूल में यहाँ से बैलेंस आउट कर रहा हूँ तो कहीं यहाँ बैलेंस आउट हो रहा है, अगर मास में इससे बढ़ा दूँ तो सेंटर मास इधर शिफ्ट हो जाएगा, जो कहीं यहाँ बैलेंस आउट होगा, करेक्ट। ये सेंटर मास हमेशा हैवियर पार्टिकल की तरफ होता है, समझ गए। और आप ये भी जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये डिस्टेंस इज मेजर्ड इन एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस मेजर्ड इन वाई एक्सिस। मान लो सपोज हमारे पास एक मास यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है। दिस इज 2 केजी, दिस इज 4 केजी, 6 केजी और 8 केजी। सेंटर मास निकालना है आपने, एक्स निकालना है, समझ गए। बेसिक फॉर्म हमारे पास है तो 2 केजी का x में क्या बढ़ रही है? 7 अरे ऑर्डर पर रखा तो 0 हो गया। 4 केजी का क्या है? मान लीजिए डिस्टेंस आपको दे रखा है 3 मीटर, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 2 मीटर, तो x में कितना डिस्टेंस है इसका? 3। और 6 का कितना डिस्टेंस है x में? अरे x में 3 है, ये डिस्टेंस x में ना, ये डिस्टेंस किस में? और 8 kg का x में कितना है? निखिल x में डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर 0 है, x में डिस्टेंस ही नहीं। और टोटल मास कितना हो जाएगा? 4 6 6 12 8 20 हो जाएगा। अगर वाई में निकाल रहे हैं, ये वाई है तो 2 का वाई में कितना है? 0। 4 का किसमें वाई में? बहुल 0। और 6 का लाए वाई में 2। और 1 का कितना वाई में? 2। टोटल मास कितना है? 20। कितना आ जाएगा ये? 12 प्लस 16/20 28/20। तो आप क्या लेंगे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स? ये 12/18 20/2 20 कितना है? 1 1 14/10 ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे किसके? सेंटर ऑफ मास के। बस नहीं कैसे निकालना है, नोट डाउन करिए और क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन करिए, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर है 4 kg mass, यहाँ पे 6 kg mass, यहाँ पे 8 kg mass, यहाँ पे 2 kg mass। ये डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर, डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर। सेंटर मास के अकॉर्डिंग निकालें आप, सेंटर मास के कोऑर्डिनेट करिए।
कर लिए सर ने। यस चेक इट आउट ऑन बोर्ड सर, आप निकाल रहे हैं एक्स में। यस क्लियर। और कीजिएगा कितना एक्स में क्वाड्रेंट? जीरो। सिक्स के जी का? फोर। एट के जी का? फोर है बेटा। और टू के जी का? जीरो है ना, ये डिस्टेंस एक्स में बेटा, इन दोनों का जीरो हो गया, इन दोनों का फोर हो गया, टोटल मास 20। अगर आप निकाल रहे हैं वाई में, वाई में इन दोनों का जीरो हो जाएगा, इन दोनों कितना हो जाएगा? थ्री। आठ टू दस मास इज 20, क्या जाएगा आपका 1.5। ये कितना है? हाँ जी 2.2। क्वेश्चन क्वार्टर क्या हो जाएगा? 2.2, 1.5। इजी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ए के बाड़ी के लिए फोर के जी, सिक्स के जी, 8 kg, this is 2 meter, this is 2 meter, this is 2 meter, center mass according to you. Yes. अगर आप निकाल रहे हैं एक्स में, इससे जीरो हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा? टू। इससे कितना हो जाएगा? वन। टोटल कितना हो जाएगा? 18। अगर आप निकाल रहे हैं वाई एक्स में, इंदर का जीरो वो है ये बने पैसे, उसके कितना आ जाएगा? ये रूट थ्री एट रूट थ्री फुल मास दे गए। फिर लेड और अदर ओके, अगर सपोज मास से जगह आपको एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन दैट केस हम ब्लॉक ले लेते हैं,
हमें ज़ूम करते हैं इन सब ब्लॉक्स की डेंसिटी और थिकनेस जो है वो सेम है, एक डेंसिटी एंड थिकनेस क्या है सेम है। अब क्या होगा, मास का मामला क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी हो जाएगा। अगर रेस अगर सेम है तो मास को हम कोरिलेट करके एरिया टर्म में ले सकते हैं, ये जैसे रेशियो है एम एन आर एन बाय मास ही तो है, अगर दोनों तरफ की तरफ से सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर जाएगा तो क्या रह जाएगा, सिर्फ एरिया रह जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ एरिया। बट वो हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, अगर गिवन है कि डेंसिटी डिफरेंट है तो आपको उस फॉर्म में लेना पड़ेगा, गिवन होगा थिकनेस डिफरेंट है तो आपको उस फॉर्म में लेना पड़ेगा, करेक्ट। यू शुड बी विजिलेंट कि कहाँ पे क्या लेना है। तो मान लीजिए सपोज आपके पास ऐसे ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक यहाँ पर, एक ब्लॉक यहाँ ले लिया, स्केल ब्लॉक्स हैं, साइड इज ए, सेंटर मास्टर फॉर्म में A1 X1 प्लस A2 X2 टिल AN XN बाय A1 प्लस A2 प्लस टिल AN से, ये एरिया है X1 X2 उनके सेंटर का कोऑर्डिनेट है X एक्सिस में, करेक्ट। अगर आप वही निकाल रहे Y एक्सिस में, ये X में हुआ, Y में क्या हो जाएगा, A1 by 1 plus A2 by 2 plus till AN by N by A1 plus A2 plus till AN हो जाएगा, clear। अब coordinates देखें तो इसका center यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो अभी center कहाँ पर होगा, A by 2 पर, ये a by 2 plus a 3 by 2 पर, ये 5 by 2 पर, ये minus a by 2 पर, और ये minus a by 2 पर। अगर आप निकाल रहे हैं along x axis, सब के एरिया सेम है, तो I'll take area a square common, इस coordinates a by 2, इसका 3 by 2, इसका 5 by 2, आप समझ रहे हैं ना, a plus a by 2 is 3 a by 2, a plus a by 2 is 5 by 2, इसका minus a by 2, इसका minus 3 a by 2, total area is 5 a square, correct। उसे y में निकाल रहे हैं तो a by 2, a by 2, a by 2, minus a by 2 और minus a by 2, समझे, accordingly can solve। हमारे स्कूल में हमारा सिस्टम दिया हुआ है, ये ब्लॉक्स, एक ये और एक ये, ए साइड सेंटर मास निकालो, एक ही क्वेश्चन है, दिस साइड इज 5 ए, दिस इज 2 ए, 2 ए A, 2A, this is 5, origin, there are questions already, let's note down, then solve the question, and the second question is actually given, this is 5A, 5A, A, 2A, 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 A, A, and the इसके सॉल्व जो है तो सेंटर मास से यहाँ पर, से यहाँ पर, यहाँ पर, ये डिस्टेंस ए बाय टू, ये डिस्टेंस थ्री बाय टू, ये डिस्टेंस ए बाय टू, वाई में डिस्टेंस ए बाय टू, दिस इज ए बाय टू, दिस इज थ्री बाय टू, अगर एक्स निकाल रहे हो एरिया सबका सेम है, a by 2 plus a by 2, the bond total area is 3 square,
करेक्ट कितना देगा ये 5a/6 आ जाएगा करेक्ट। अगर वाई भी निकाल रहे हो तो ये सब तो सेम a/2 + a/2 + 3a/2 कंट्रोल एरिया इज पी एस पी का सेम आ जाएगा 5/6 करेक्ट। क्लियर ऑल गुगमन। और इस केस में इसको ब्रेक कर लो, एक ये एरिया सेंटर मास यहाँ पे, एक ये एरिया सेंटर मास यहाँ पे, सेंटर मास यहाँ पे, तो इस एरिया कितना देगा 5a/8 5a² सेंटर मास कितना देगा a/2 पर। इसका अगर आप निकाल रहे एक्स में पहले रेडियस 5a² (a/2) + इसका a² (a/6) (3a/2) इसके एरिया 5a² (5a/2) टोटल एरिया 5×5=11a² अगर आप निकाल रहे वाई में तो वाई में इसका एरिया 5a² सेंटर यहाँ पे वाई में दिस इज 5a/2 इसके एरिया 5a/2 इसके एरिया 5a/2 टोटल एरिया 11a² हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर इज ओरिजिन, ये हमारे पास दिस इज ए ए ए ए दिस आल्सो ए इज ओरिजिन सेंटर कोऑर्डिनेट्स इन सेंटर मास के पिक आउट मास लेवनिस मास नहीं हुई थी बेटा 5a² a² 5a² 5×5=10 लेट्स सी। इस केस में हमारे पास दो पार्शियल एंट्रीज एक तो ये एरिया सेंट्रल मास यहाँ पर होगा इसका इस एरिया का हाफ ये कहा ए बाय टू पर वाई में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सिर्फ तो एक्स में कितना हो जाएगा a² उसका सेंटर ए बाय टू के और एक ट्रायंगल ही बन गया इसमें इक्लूडेड ट्रायंगल ए ए ए ये क्या हो जाएगा √3/4a² सेंटर कहाँ पर आएगा सेंट्रोइड पे यहाँ पे मार डिस्टेंस है एक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2 पूरा एंगल 60 डिग्री हाफ एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री रेडियस 10/30 x/a/2 10/30 √3 एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी a/√3 हो जाएगी करेक्ट। That is, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गया इसका डिस्टेंस कितना हुआ a+x हुआ तो सेकेंड एरिया हमारे पास √3/4a² एक्स टू क्या हो जाएगा a+x विच इज a+a/√3 क्या तो फॉर्मूला x में a1x1 + a2x2 / a1 + समझ गए। आगे देखो अगर आपको एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं करेक्ट इफ एनी एरिया इज सब्ट्रैक्टेड तो फॉर्मूला a1x1 - a2x2 /
A1 माइनस A2, देन A1 है कंप्लीट एरिया और X1 है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट एरिया, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट एरिया, और A2 है हमारा एक्सट्रैक्टेड एरिया और X2 है सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सट्रैक्टेड एरिया। फिर समझने की कोशिश करें, फिर हमारे पास ये शक्ति दे रखते हैं ऐसे ब्लॉक भी हुए सेंटर मास निकालने, मान लो पहले पूरा था ये पूरे सेंटर मास कहाँ आ जाएगा, सेंटर यहाँ आ जाएगा, साइड क्या हो जाएगी उसकी 2a, तो कंप्लीट एरिया कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर, स्क्वायर जिस 4a स्क्वायर, सेंटर कहाँ नहीं करेगा यहाँ पर a पर, this portion has been eliminated, तो इसके लिए कितना हो जाएगा x square, center कहाँ होगा यहाँ पर a plus a by 2, x2 क्या हो जाएगा 3a by 2, in that case center mass कहाँ नहीं करेगा a1 x1 minus a2 x2 by A माइनस A2, आंसर आ जाएगा आपका 5/6। हाँ समझिए, नोट डाउन। हाँ जी मानो हमारे पास एक डिस्क है और सेंटर ऑरिजिन रखा हुआ है, रेडियस ए है, दिस पोर्शन इज एलिमिनेटेड, रेडियस इज बी एलिमिनेटेड, रेडियस इज सी, सेंटर मास निकालना है आपने एक्स में वाई, थ्री डिपेंड करता है ना एक्स में है नहीं सी, एक बार पेडेंशियल बोर्ड। हाँ जी इसका पूरे एरिया कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर और सेंटर कहाँ पे हो जाएगा इसका ओरिजिन पर, और ए टू क्या हो जाएगा पाई बी स्क्वायर, इसके एक्स टू क्या हो जाएगा ए माइनस बी, इसका वाई टू क्या हो जाएगा जीरो, तीसरे कितना हो जाएगा ए थ्री पाई सी स्क्वायर, उसका एक्स थ्री क्या हो जाएगा जीरो, वाई थ्री क्या हो जाएगा ए माइनस सी। अगर आप निकाल रहे हो एक्स एक्सिस में
a1 x1 minus a2 x2 minus a3 x3 total area pi square minus pi square minus pi square. अगर आप निकाल रहे हो y एक्सिस में, y में पूरे एरिया pi 1 0, दूसरे एरिया pi b square, pi 2 0, तीसरे एरिया pi c square and pi 3 is a minus c, total area pi a square minus pi b square minus pi c square. Very simple. Copy down already. आगे देखिए. और continuous body. और continuous bodies. जो bodies फैली हुई हैं. Mass distributed by cash. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक rod है. Along length of the video. Total length is there, total mass is there. Correct? So in that case, what is bodies to be? Center mass is going to be x6, integration of xdm, integration of dm. Here to learn the formula. Now we will be y, integration of ydm, integration of dm. Now we will be z, integration of ZDM, integration of DM. Okay, in that case, अगर मान लीजिए suppose कि rod का linear mass density lambda, that is mass per length constant है. क्या है? Constant. Mass per length या छोटा mass छोटी लेंगे, मोटे मास पूरी लेंगे, छोटे मास छोटी लेंगे, करेक्ट. अगर कांस्टेंट है, यहाँ से डीएम मिल जाएगा, डीएम क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा डीएस हो जाएगा, मिल गया, फॉलो अप करते हैं. और इस एंड मास का एक्स नहीं होगा, बाई में बॉडी फैली नहीं, बॉडी बाई में नहीं फैल रही, अलॉन्ग एक्स ही फैल रही है. तो सेंटर मास में कहाँ होगा? सिर्फ बताओ x एक्सिस होगा, y में नहीं होगा. तो x एक्सिस x dm lambda dx dm lambda dx x कहाँ से वेरी कर रहा है? 0 टू l क्या जाएगा? lambda x square by 2 limits 0 टू l lambda x limits 0 to l, lambda l square by 2, the lambda l, answer aa jayega l by 2. Aage samne note down.